फर्स्ट टाइम हम तिरुमला तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए इधर आए और मैं पूरा देश और दुनिया घूमा हूँ, लेकिन यहाँ जो एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक जो दिव्यता है, उसको देख करके मन अत्यंत प्रफुल्लित है। और भगवान का दर्शन, यहाँ का मंदिर का प्रबंधन, चारों ओर स्वच्छता और प्रकृति और परमेश्वर का आशीर्वाद, यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि धरती का वैकुंठ बोलो, स्वर्ग बोलो, मोक्ष बोलो, वो भगवान का साक्षात विग्रह वो यहाँ पर है। और जिस प्रकार से धर्म अध्यात्म और सांस्कृतिक उत्थान के लिए, गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए YSR जगनमोहन रेड्डी जी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीष है। पहली बार आया, अभी शाम को दर्शन हुआ, कभी प्रभात के दर्शन के लिए भी ज़रूर आऊँगा। मैंने बहुत सुना था, लेकिन आकर के बहुत ही अभिभूत। गौ माता को भारत का राष्ट्रीय पशु, वो तो हम उसको भगवान मानते हैं, दैवी शक्ति मानते हैं, गौ माँ को माँ कहते हैं, तो उसको राष्ट्रीय पशु होना ही चाहिए। और उसका फर्स्ट इनिशिएटिव वो तिरुमला तिरुपति देवस्थान हमने लिया है, ये कार्य यशस्वी होना ही चाहिए और होगा ही, ऐसा मुझे विश्वास है। जरूर क्यों नहीं करेंगे, अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा गौ माता का गौरव और सम्मान। थैंक यू। अरे छुपी भाई, चप्पल भाई ना, लक्ष्मण भाई आप इधर बैठ जाओ।